गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2B. इन क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. ए, 85 इज इक्वल टू 8 tens प्लस 5 ones. यहाँ हमें एक क्वेश्चन करके बताया गया है जिसमें हमें ये कहा गया है कि वंस की प्लेस पर कितना है, 5 है, और टेंस की प्लेस पर क्या है, 8 है. तो इसी तरह से हमें इन्हें करना है. या इसका एक मेथड और दिया गया है, जैसे 7 tens और प्लस 15 ones. इसका मतलब हमने इसमें से क्या माइनस कर दिया है, 15 को माइनस कर दिया है. तो 85 कैसे बना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 70 प्लस 15 को मिला के कितना बना है, 85 बना है. तो इसको दो मेथड से किया गया है, उसी तरह से हम भी करेंगे. तो जैसे बी वाला देखते हैं हम, 74 इज इक्वल टू, तो सबसे पहले टेंस के प्लेस पर क्या है, यहाँ पर 7, और वंस के प्लेस पर क्या है, 4 है. तो अब इसको हम दूसरे मेथड से करेंगे. इसका मतलब हम यहाँ जो 74 है इसमें से ये जो नंबर है ये तो है ही, इसे तो हम माइनस करेंगे, ये साथ में 10 और माइनस करेंगे. तो 7 में से हमने 10 माइनस कर दिया, तो 70 में से क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा. ठीक है, ये 60 प्लस क्या हो जाएगा, ये 14 है ना. तो ये 16 प्लस 14 मिला के कितना हो जाता है, 74 होगा. तो यहाँ पे टेंस की प्लेस पे क्या है, 6 है. तो यहाँ पे 6 टेंस की प्लेस पर है, और प्लस हमने कितना किया है, 14 वंस. ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है. चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर सी. टेंस की प्लेस पर क्या है, यहाँ पे 3 है, तो 3 टेंस की प्लेस पे है, प्लस वंस की प्लेस पे क्या है, अगेन 3 है, तो 3 वंस की प्लेस पर है. ओके, अब इसमें से भी हमें 10 प्लस पीछे का 3, दैट मीन्स 13 माइनस करना है. तो देखिए वो यहाँ पे किया गया है, तो 13 हमने जब इसमें से माइनस कर दिया है, माइनस 13 कर दिया है, तो 3 में से 10 माइनस किया तो क्या हो गया, 20. तो यहाँ लिखा है 2 की प्लेस पे 2 है, टेंस की प्लेस पे 2 है, और प्लस 13. ओके, तो एक और मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आप लोग खुद से करेंगे. यहाँ पे देखिए टेंस की प्लेस पर क्या है, यहाँ पे 5 टेंस की प्लेस पर है, और वंस की प्लेस पे क्या है, प्लस 1 वंस की प्लेस पर है. ओके, अब इसमें से भी हमें ये 1 और प्लस 10, और 10 प्लस 1 11 हो गया. तो हमने क्या किया है, इसमें 11 को माइनस कर दिया है, तो वंस की प्लेस पर क्या हो गया, 11, और इसमें से 10 माइनस किया तो 5 में से 10 माइनस करने पे क्या हो जाएगा, 50 में से 10 माइनस किया तो 40 होगा. तो 4 टेंस की प्लेस पर हो गया. ठीक है, यहाँ पे देखिए 40 प्लस 11 मिला के कितना होता है, 51. तो टेंस की प्लेस पर क्या है, 4, और वंस की प्लेस पर ये पूरा 11 हम यहाँ लिख देंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से आपको ये ई और एफ वाले क्वेश्चन को कर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर. इसमें जो सही आंसर है वही हमें टिक करना है, ऊपर जो हमने मेथड यूज़ किया है इन्हीं मेथड्स को देखते हुए. अब 79 इज 10 वंस की प्लेस पर है, 9 वंस की प्लेस पर है. तो अनादर वे टू मेक 79 इज, अनादर मेथड मतलब जो हमने ये और वाला मेथड यूज़ किया, इस मेथड से 79 कैसे आएगा. तो 5 टेंस के प्लेस पर नहीं होगा, क्योंकि हमें सिर्फ 10 माइनस करना है. तो इसमें से हम 10 माइनस करेंगे, तो 7 में से 10 माइनस करने पे क्या आंसर आएगा, 6. तो हम अपना 6 वाला देखते हैं, जो टेंस के प्लेस पर 6 हो, उसमें ये दो ऑप्शन है. अब ये दो में से हम देखते हैं कौन सा आंसर हमारा सही होगा. अगर हम 10 माइनस करते हैं तो वंस के प्लेस पर कितना होना चाहिए, 9, लेकिन यहाँ पे वंस के प्लेस पर कितना है, 7. तो ये आंसर भी हमारा रॉन्ग होगा. तो कौन सा आंसर राइट होगा, ये 6 टेंस के प्लेस पर और 19 वंस के प्लेस पर. ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से आपको ये वाले क्वेश्चंस को भी करने होंगे. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. इन क्वेश्चन नंबर 3, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स. यहाँ हमें जो नंबर्स दिए गए हैं इन्हें क्या करना है, ऐड करना है. तो ऐड करना आप लोगों को आता ही है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 डिजिट दी गई है, 2 डिजिट में 1 डिजिट को ऐड करना है. तो 4 में हमने 8 को प्लस किया, तो 8 प्लस 4 होता है 12 का 2. यहाँ पे 1 कैरी दे दिया, 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3. तो इसी तरह से आपको बाकी के सम्स करने हैं.
नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 ऐड द फॉलोइंग नंबर्स, इसमें भी हमें ऐड करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, ऊपर 2 डिजिट में 1 डिजिट को प्लस करना था, यहाँ पे 2 डिजिट में 2 डिजिट को ही प्लस करना है। तो देखते हैं, 8 प्लस 5 होता है 13 का 3, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 5 7। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से आपको सारे सम्स ऐड करने हैं। ओके क्लास, थैंक यू।